बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कराची शहर की जो सूरत हाल है, कराची को एक कचरा कुंडी का नाम दिया जा रहा है, इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने तो जो काम करना है वो करे, लेकिन हम सबको मिलकर भी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी होगी, क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है सफाई करना, वो सफाई करना करने के लिए मुखलिस नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत इंशाल्लाह ये काम को शुरू कर रहे हैं। कुछ लोग बहादुराबाद में और दीगर इलाकों में अपनी मदद आपके तहत ये सफाई का काम शुरू कर रहे हैं। ये एक बहुत अजीम और बहुत अच्छा काम है। इस काम में मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग सब इनके साथ भरपूर तआवुन करें और ये करो पाकिस्तान की खातिर। ये एक गैर सियासी और एक मतलब ये कि ऐसा इदारा है जो इसमें आपसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि पाकिस्तान में एक सफाई हो, पाकिस्तान का एक निज़ाम दुरुस्त हो, यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें दुरुस्त हो, यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी है और लाइफ जो है वो क्वालिटी लाइफ बने। इसके लिए सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया है करो पाकिस्तान की खातिर। और ये 21/9/2019 बरोज़ हफ्ता बहादुराबाद और उसके गिर्द नवा के इलाके में सफाई मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इसमें हम इंशाल्लाह भरपूर इनके साथ तआवुन करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद मुकाती है, UC 12 ईस्ट का मैं चेयरमैन हूँ और पार्लिमानी लीडर बल्दी और कराची में जमात इस्लामी की तरफ से हूँ। तो इंशाल्लाह भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह अपने शहर को हम खुद मिलकर अपनी मदद आपके तहत इस शहर को चमकाएंगे, शहर में खुशहाली लाएंगे, शहर को तरक्की का शहर बनाएंगे, रोशनियों का शहर बनाएंगे, मोहब्बतों का शहर बनाएंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम ने मिलकर इस मुहिम में साथ दिया तो कराची बहुत साफ़ सुथरा और कराची पाकिस्तान का बेहतरीन खूबसूरत और साफ शहर बन जाएगा। बहुत शुक्रिया।